तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं एहसान कमर चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ हाउ टू मेक आरसी ड्रोन का थर्ड पार्ट। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे KK 2.1.5 फ्लाई बोर्ड को किस तरीके से प्रोग्राम करना है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इसे प्रोग्राम करना शुरू करते हैं। तो गाइस अब मैं इस KK 2.1.5 को अब प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आपने मोटर्स के ऊपर भी प्रोपेलर नहीं लगाने हैं, क्योंकि थोड़ा सा डेंजर हो सकता है अगर खुद ही चलने लग गया ड्रोन। और तो इसलिए सबसे पहले अब मैं इसे प्रोग्राम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसे अब पावर दे रहा हूँ। अब मैं इसे पावर दे दूँगा तो अब इसके ऑन हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। अब मैं आपको इसे प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो वैसे इसी तरीके से स्क्रीन आ रही होती है, क्योंकि अभी एरर इसलिए दिखा रहा है कि अभी प्रोग्राम नहीं हुआ। सबसे पहले हमने इस पर मेन्यू पर जाना है, उसके बाद हमने फैक्ट्री रीसेट पे जाना है। जैसे तो फैक्ट्री रीसेट आ गई है, हमने इंटर कर देना है और ये शोर बोल रहा है, हमने कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके की अब आपने बैक आना है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि कौन से टाइप का आपका ड्रोन है, तो हमने सबसे पहले बैक आना है, उसके बाद हमने नीचे जाना है। हम बना रहे हैं क्वाडकॉप्टर एक्स मोड, तो हमें इंटर कर देना है। तो देख सकते हैं ये हो चुका है और ये बता रहे कि हमारी यानी मोटर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इसकी ये, इसकी ये और इसकी ये। और इसके बाद हमें बाहर आ जाना है, बैक आ जाना है। तो जैसे हो गया, और मेन्यू पर जाना है, उसके बाद आई पी एडिटर पर जाना है हमें, और इसका हमें करना है 75। 75 हो गया, हमें 50 करना है इसका। तो देख सकते 50 हो गया और इसका हमें करना है 40। ये 40 हो चुका है। अब हमें करना ये है कि अब हमें जाना है एलिवेटर को हटा के हमें रडर पे जाना है। रडर पे हमें इसे करना है 75। तो ये 75 हो गया, उसके बाद हमें ये 20 पे रखना है, वैसे हमें कर देना है 30। तो देख सकते हैं ये 30 हो चुका है, उसके बाद हमें करना है डन। उसके बाद देख सकते हैं ये सारी चीज़ ऐसे छोड़ देनी है, उसके बाद हमें बैक आना है। उसके बाद हमें करना है ACC कैलिब्रेशन। ये देख सकते हैं ये आगे ACC कैलिब्रेशन। और मैं इसके नीचे अभी ड्रोन के नीचे मैं ये डबल साइडेड टेप रख दूँगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा ड्रोन। हमें ऐसी जगह पर रखना है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, जगह सरफेस स्टेबल हो, वहाँ पर हमें रखना है। तो मैंने रख दी है, तो मैंने टेप रख दिया। मैं इसकी कैलिब्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये चीज़ें बोल रहा है, अब उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे हम। तो देख सकते हैं कैलिब्रेशन हो चुकी है, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और ये कंटिन्यू ये हो गया ACC कैलिब्रेशन हमारी। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है ये देख सकते हैं ये हमारे बता रहे हैं कि स्टेबल कितना है, ये स्टेबिलिटी बता दी। उसके बाद हम तो देख सकते हैं ये कर दी है। अब उसके बाद हमें जाना है मोड में, जाना है हमें एक मिनट ऊपर आ जाएगा ये मोड सेटिंग में जाना है हमें। और उसके बाद हमें जो ये ऑक्स दिख रहे हैं, इसे ऑक्स को हमें कर देना है इसमें कर देना है हमें स्टिक पे। ये बहुत सारे लोग ये सेटिंग कराते हैं वो बताते नहीं हैं, ये इसके लिए होता है कि इससे स्टेबल हो जाता है ड्रोन। ये भी मैं आपको बताऊंगा उड़ाते हुए कि इसका क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद हमें जाना है, उसके बाद हमें जाना है रिसीवर टेस्ट पे। और रिसीवर टेस्ट में हमें सबसे पहले ट्रांसमीटर ऑन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रांसमीटर ऑन कर लिया है, और जैसे ही ट्रांसमीटर ऑन करूँगा उसमें ये सिग्नल शो करना शुरू कर देगा। तो गाइस जैसे मैं रिसीवर टेस्ट पे जाऊंगा, अभी देखिए नॉर्मल सिग्नल दिखा रहा है। जैसे मैं ट्रांसमीटर ऑन करूंगा इसमें सिग्नल्स आने शुरू हो गए। और इसके बाद जितने भी आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इसे ट्रिम की से आपने ट्रिम कर लेना इसके अंदर ट्रांसमीटर में। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ट्रिम करने के बाद। तो आपको सब लोग को आपने जीरो कर लेना है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सारे जीरो हो चुके हैं। इसके बाद हमें बाहर आना है, तो देख सकते हैं बाहर आ गए। और उसके बाद हमें सब पूरा बाहर आ जाना है, उसके बाद हमें पूरा बाहर आ जाना है। देखें सेफ आ गया है। उसके बाद हमें ये क्या करना है कि
हमें अब जो इसका कनेक्शन हुआ है, इसे कनेक्शन को हमें हटा देना है। सबसे पहले ट्रांसमीटर बंद करना है, उसके बाद कनेक्शन को हटा देना है हमें। जैसे सकते हैं कि ये कनेक्शन हट चुका है। और गाइस जो मैं बोल रहा हूँ ट्रिम की जो ये है, इससे हम ट्रिम करते हैं, इसे हम आगे पीछे करेंगे तो वो ट्रिम हो जाएंगे सारी कीज़। ऐसे आगे पीछे करने से सारी कीज़ ट्रिम हो जाएंगी। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं थ्रॉटल आगे करूँगा तो देखें फॉरवर्ड लिखा आ रहा है, पीछे कर रहा हूँ बैकवर्ड लिखा आ रहा है, इधर कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखें ये लेफ्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो राइट लिखा आ रहा है, और ये हमें थ्रॉटल लिखा रहा है, और ये देखें ये राइट आ रहा है, और ये लेफ्ट, ये देख सकते हैं ये मैं उल्टा आ रहा है। मैं ये राइट पे कर रहा हूँ तो राइट पे कर रहा हूँ तो लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट पे कर रहा हूँ तो राइट आ रहा है। ये ज़्यादातर लोगों का ये मसला आएगा, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर से इसे सेट करना पड़ेगा। तो मैं कंप्यूटर में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो गाइस हमने करना ये है कि जो ट्रांसमीटर के बॉक्स के अंदर एक वायर आता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए होता है, वो कनेक्ट करके और उसके अंदर एक सीडी होती है, वो डाउनलोड करके आपने इस ऐप में चले जाना है। और आप ऐप में जैसे ही जाएंगे तो इस तरीके का आएगा। उसके बाद आपने सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे आपके पास आ रहा होगा कॉम 1 लिखा हुआ है, आपने कॉम 4 पे करना है। कॉम 4 पे करने के बाद आपने ओके कर देना। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गया है। और मेरा 4 चैनल उल्टा दिखा रहा है तो इसलिए मैं रिवर्स की में जाऊंगा। आप देख सकते हैं रिवर्स लिखा हुआ है, और किसी सेटिंग को भी छूना नहीं है। और देख सकते हैं मेरे 2 ख़राब हो रहे थे, मैंने ये भी 2 कर लिए हैं। मेरे असल में 3 चैनल ख़राब हो रहे थे, तो ये 2 पहले से हुए हैं, और मेरा 4 चैनल है, 4 चैनल ख़राब चल रहा है। तो मैं 4 को जैसे ही क्लिक करके ओके करूँगा ये 4 उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और बस यही है, जो अगर आपके कोई से भी चैनल ऐसे उल्टा चल रहा हो तो यहाँ पे आके उसे सीधा कर सकते हैं। उसके बाद हमें बाहर आ जाना है और आपका प्रोग्राम हो चुका है। इसमें और कोई करना नहीं है, बाकी चीज़ें अलग अलग चीज़ों की नहीं है, और बस इसमें यही करना है। ऐसा आप देख सकते हैं, आप सारे चैनल सही चैनल लग गए। देखिए मैं राइट पे कर रहा हूँ तो राइट पे जा रहा है, मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ तो लेफ्ट पे जा रहा है, और ये पूरा प्रोग्राम हो चुका है। अब हमें सबसे अब बाहर आ जाना है, और अब देख सकते हैं पूरा बाहर आ गए हम। और उसके बाद हमें ये करना है कि अब हमें अपना जो जो इसका कनेक्शन है बैटरी से हुआ उसे हमने हटा देना है। वैसे अब हमें लास्ट में ये करना है कि हमें सबसे पहले अपना ट्रांसमीटर ऑन करना है, और उसके बाद हमें ये वाला थ्रॉटल का फुल कर देना है इसे। उसके बाद हमें ये करना है कि हमें जो ये के फ्लैप बोर्ड का जो लास्ट ये 2 बटन है, ये वाला और ये वाला, इसे हमें दोनों को साथ दबा के रखना है, और इसे इस तरीके से दबा के रखना है, और इसे हमें फिर इसे कनेक्ट कर देना है इसके साथ। तो आप देखिएगा फिर साउंड बजेगा, उसके बाद ये चीज़ होंगी। देखिए साउंड बजाए, उसके बाद हमें ये करना है कि हमें थ्रॉटल नीचे कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये साउंड हो चुका है, अब ये आर्क हो चुका है। अब आप देखें मैं जैसे ही अब इसे इधर करूँगा इससे आर्क हो जाता है। देखें देखें ये लाइट जल चुकी है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, देख सकते हैं यहाँ पे रेड रेड जल रही है। इसके बाद जैसे ही मैं ऊपर करूँगा ये इसके मोटर्स चलने लग जाएंगे, देखिएगा। अब देख सकते हैं ये चलने लग गई है, वो ये पूरा ड्रोन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ लास्ट में प्रोपेलर लगाने और रेडी टू फ्लाई। अब ये हमें ये करना है कि सबसे पहले अब इसे आर्क ख़त्म करना है, उसके बाद हमें ये बंद कर देना है, और अब ये निकाल देना है हमें। अब ये रेडी टू फ्लाई। तो गाइस आप देख सकते हैं प्रोग्राम पूरा ड्रोन हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह वर्क कर रहा है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसमीटर को ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इस बैटरी को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा मैं दूर हो जाता हूँ कि क्योंकि ड्रोन है, मैं टेबल पर रख के इधर ऑन कर रहा हूँ इसे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये वर्क कर रहा है ड्रोन। और अब मैं आपको अब ये था थर्ड पार्ट इस वीडियो का, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें मैं इसे फ्लाई करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से इसे उड़ाना है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।